अभियान जिसका एक ही लक्ष्य है स्वावलंबी नागरिक और आत्मनिर्भर भारत, खासकर उन इलाकों में जहां आज भी ना ही संसाधन है, ना रोजगार, ना शिक्षा है। एकल अभियान पिछले 34 सालों से इसी प्रयास में जुटा है और अपने प्रयास से लगातार लोगों की मदद करके उन्हें उनके सपने को पूरा करने में पूरा सहयोग कर रहा है। इसी क्रम में एकल ग्राम उत्थान फाउंडेशन ने देश के अन्य स्थानों में सेवा दे रहे एकल ऑन व्हील में विस्तार करते हुए उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में एकल ऑन व्हील कंप्यूटर बस सेवा की शुरुआत की है। एकल ऑन व्हील बस सेवा का लक्ष्य दूर दराज स्कूलों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना और नागरिकों को डिजिटल इंडिया मुहिम से जोड़ना है। एकल ऑन व्हील बस सेवा खासकर आदिवासी गांवों में रहने वाले बच्चों को कंप्यूटर सिखाने का काम करती है और उन्हें प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाता है। एकल अभियान वनवासी बच्चों के हर सपने को पूरा कर उनको नई उड़ान देने में मदद कर रहा है। एकल ऑन व्हील का मुख्य उद्देश्य कंप्यूटर जागरूकता पैदा करना, डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना है। जो ये प्रयास है, ये हम एकल के साथ जुड़े हैं क्योंकि इनका जो आउटरीच है, जितने गांव में ये काम करते हैं, फिर पूरे देश के अंदर फैले हुए हैं। 24 अगस्त को पेट्रोनेट एनएलजी लिमिटेड के सहयोग से चलने वाली इस बस सेवा की खास बात ये है कि इसमें एक समय में 15 से 20 लोग बैठ सकते हैं। इस बस में एक चालक और एक प्रशिक्षक मौजूद होता है। बस के अंदर 9 कंप्यूटर लगे हैं। ये बस एक गांव में 18 बच्चों के एक बैच को 75 घंटे प्रशिक्षण देता है। 75 घंटे पूरे होने के बाद एक टेस्ट होता है, जिसके बाद इन बच्चों को सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। ये बस 3 महीने में 3 गांव कवर करती है और एक निश्चित समय के लिए ही गांव में जाती है। इस बस सेवा की मदद से शिक्षा के क्षेत्र में अब तकनीकी शिक्षा देने में बहुत आसानी हो जाएगी। इस बस सेवा के शुभारंभ के अवसर पर पेट्रोनेट एनएलजी लिमिटेड के प्रतिनिधि दीपांजन बंदोपाध्याय, सोनभद्र के पूर्व जिला पंचायत सदस्य मुन्ना धनगर, भीकमपुर और सौडा गांव के ग्राम प्रधान चंद्रावती देवी और महेश कुमार गौड़ मौजूद रहे। वहीं कुछ गणमान्य लोग वर्चुअली माध्यम से भी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, जिसमें ईजीएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश कनोडिया, जीएमवाई रांची की महासचिव उषा जालान, जीएमवाई रांची के कोषाध्यक्ष मुकेश अग्रवाल शामिल थे।